ओके अब इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रूव दैट माई पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट 10x dx अपॉन अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट cot x इज इक्वल्स टू पाई बाई 12। अब यहाँ जीरो नहीं है, अभी तक आपने क्वेश्चन जीरो वाले देखे थे। आइए फिर प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन। प्रॉपर्टी का पेज आपके सामने रख दिया मैंने, और इस प्रॉपर्टी को देखिए सिक्स वाली को, कि a टू b fx dx इज इक्वल्स टू a टू b f a प्लस b माइनस x dx। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और उसमें से x को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा इक्वेशन नंबर 1, एक बार हमने क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब देखिए हमने इसको इस तरह से लिखा क्वेश्चन को पूरे को, ये देखिए पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x dx अपॉन अंडर रूट में 10 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x प्लस अंडर रूट में कॉट पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x। ओके अब देखिए पाई बाई 3 और पाई बाई 6 60 और 30 मिलके 90 हो गए, तो 10 90 माइनस थीटा ये क्या बनेगा आपका, देखिए मैंने 90 माइनस थीटा लिखा, ये भी 10 90 माइनस थीटा, ये भी कॉट 90 माइनस थीटा। हम आप समझ गए होंगे कि ये बनेगा क्या, ये बनेगा कॉट, ये बनेगा कॉट और ये बनेगा 10, कुछ इस तरह से 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। और फिर हम इस ए वन और टू को ऐड करेंगे, ये हमने ऐड करा एडिंग वन एंड टू। तो अब ऐड दो इंटीग्रल ऐड कब होंगे, जब दोनों की लिमिट सेम हो। देखिए दोनों की लिमिट सेम है, तो i प्लस आई टू आई कुछ इस तरह से देखिएगा, ये हो गया i प्लस आई टू आई पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट cot x डिनोमिनेटर में, अंडर रूट cot x और अंडर रूट 10x है न्यूमरेटर में। ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो कितना बचेगा इंटीग्रल में 1, यहाँ कितना बना 1 और 1 का इंटीग्रल x पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 कुछ इस तरह से, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो जब पाई बाई 3 60 में से 30 जाएगा तो पाई बाई 6 बचेगा, ये बना पाई बाई 6, ये 2 डिनोमेटर में आ जाएगा, सो इट इज़ पाई बाई 12। आप चाहो तो लिख दो विच इज इक्वल्स टू RHS और ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और एक छोटी सी बात आपसे, और एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिएगा इस एक्सरसाइज के पहले के, जरूर से सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन 7x dx इज इक्वल्स टू 0, ये हमको प्रूव करना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, तो देखिए ये इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स इज इवन और 0 इफ एफ एक्स इज ऑड। तो हम इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे लग रही है। देखिए सबसे पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लिख दी आपके सामने वापस से, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स इज इवन एफ एक्स इज ऑड। अब ये इवन और ऑड कैसे पता चलेगा, आपको स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू साइन टू द पावर 7x है, तो देखें एफ एक्स की वैल्यू साइन टू द पावर 7x है। इवन और ऑड पता करने के लिए हम x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, रिप्लेस x विथ माइनस x, तो कितना बना f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7 ऑफ माइनस x। आप एक चीज़ पढ़ के आए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब यह माइनस साइन थीटा होगा नो प्रॉब्लम, पर क्योंकि पावर ऑड है तो वो माइनस एफ एक्स बन जाएगा। देखिए ये माइनस बाहर आएगा, आप चाहे तो बीच में एक टर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड पूरे की पावर कितना 7। तो क्योंकि पावर ऑड है इसलिए नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा और ये 7 पावर साइन पे आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है यह माइनस एफ एक्स हो गया। मान लीजिए साइन की जगह कॉस होता तो आपको क्या पता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, पर क्योंकि यहाँ साइन है और ये ऑड फंक्शन प्रूव हो गया तो हम क्या बोलेंगे, सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स के, तो ऑड फंक्शन। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन।
तो इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, ऑड फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो क्या लगेगा? जीरो। सो बाय RHS ऑफ द अबव फार्मूला आई इज इक्वल्स टू जीरो, और आई क्या है आपका? ये आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नीचे, सो इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू साइन टू द पावर 7x dx इज इक्वल्स टू जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है।